हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक माई स्क्वेयर फंक्शंस, नंबर फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पावर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन इसमें दो पैरामीटर होंगे, एक पावर और पावर फंक्शन। चलो सबसे पहले अपना माई स्क्वेयर स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा पासवर्ड डाला था, मैं पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया और मेरा माई स्क्वेयर हमारा स्टार्ट हो गया। तो जो भी हम फंक्शन लगाएंगे उसमें हम पहले सेलेक्ट कमांड को हमें यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फंक्शन काम नहीं करेगा। तो पहला फंक्शन हमारा था पावर था, यानी तो सेलेक्ट पावर, और उसके हमें देने पड़ेंगे एक्स वाई पैरामीटर। एक्स हमारा 3 और वाई हमारा 2, यानी 3 की पावर 2 बन जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 9। ठीक है, 9 इसका आउटपुट आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो आउटपुट आया हमारा 3.2, आंसर आया 9। एक क्वेरी और लगाते हैं, सिलेक्ट पावर के बदले पॉप कर देंगे POW, और सेम आंसर आएगा जैसे कि देखा आपने, 9। ठीक है, दोनों ही सेम काम करते हैं, दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा राउंड। इसमें एक एक्स और वाई दो पैरामीटर हैं। एक्स जो हमारा है, जिसको मैं राउंड ऑफ करना है, जैसे मैथ में करते हैं राउंड ऑफ, सेम ऐसी चीज़ें। एक्स जो वैल्यू है और वाई जो है जितने डेसिमल प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है, ये वो है। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले, जैसा आपको बताया था मैंने, किसी फंक्शन को लगाने से पहले मुझे सेलेक्ट कमांड लिखनी पड़ेगी। तो सेलेक्ट राउंड, ब्रैकेट में स्टार्ट किया, नंबर डाल दिया मैंने, मान लो जो भी आपका नंबर डाल चाहते हैं, बट डेसिमल नंबर डालना जिससे आपको इजी हो जाएगा समझने में। तो 2912 डाल दिया पॉइंट में, और 654 डाल के हम इसमें कॉमा 1 लगाया। अब जो 1 है ये क्या, ये डिनोट कर रहा है 5 को। तो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है, और जो उसके बाद सेकेंड वैल्यू 1 होगी, और उसके जो और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 होगी। तो कॉमा का जो भी दिया जाएगा वो ऐसे डिनोट होगा, ठीक है। माइनस के लिए और कुछ होता है, लेफ्ट के लिए और कुछ होता है, बताएंगे बाद में। तो इसका जो राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है, यानी मुझे 5 को राउंड ऑफ करना है। जैसे 5 जो प्लेस को राउंड ऑफ करना है, यानी 5 राउंड ऑफ होगा मीन्स वो अगली वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, यानी 6 को 7 कर देगा, यानी 2912.7 कर देगा, इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर इसको रन करते हैं, इसका आंसर आएगा 2917.12.7। इसको रन करते हैं, सेवन को लगा के, और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ओ, ये तो गलत हो गया, हमें कॉलन लगा दी गलती से, सॉरी। देखो अब ये जो हो गया, हमने यहाँ लगाया तो आंसर आया 2912.7, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है 1 प्लेस तक, यानी 6 और 5 के बाद जो 5 नंबर है उसको हमने राउंड ऑफ करने की कोशिश की है। चलो एक प्रोग्राम लेते हैं जिससे आपको और समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है 1 दिया था मैंने उसको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, क्वेरी के अंदर, अब देंगे 2, और 2 किसको डिनोट करेगा, 4 को। ठीक है, अब जो भी 4 जो है 5 से लेस है, जो 4 लास्ट नंबर है, जो 2 नंबर प्लेस वैल्यू है 4, जो कि 5 से लेस है, तो उसमें कुछ राउंड ऑफ नहीं होगा। इसका आंसर आएगा 2912.65 ओनली। ठीक है, रिपीट करता हूँ, इसका आंसर आएगा 2912.65। ठीक है, तो इस काम से इतना आएगा, जैसे कॉमा सेमी कॉलन लगाते हैं, और हमारा जो आउटपुट देखो आया 291.265। ओ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ठीक है मिस्टेक कर दी है, तो उसका आंसर क्या होगा, 2912.65, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा, कोशिश करेंगे ताकि आपको और क्वेश्चन करवा के आपको और अच्छी तरह से समझाया जा सके। तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर हम एक फंक्शन और ले रहे हैं, इसी में सेलेक्ट कमांड लगा के और राउंड लगा दिया। अब हम लगा रहे हैं माइनस का 2 लगाया। माइनस 2 का मीनिंग क्या होता है, आप लेफ्ट पॉइंट से लेफ्ट जाएंगे, तो पॉइंट लेफ्ट में वाली जो होती है वो माइनस में होती है, उससे अगली वाली माइनस 2, उससे अगली माइनस 3, ऐसी माइनस 4, माइनस 5, सो ऑन आपका चलता रहेगा। ठीक है, ये माइनस 2 तक है, तो माइनस 2 पे कौन सी बारी आ रही है, 1 आ रही है। तो 1 जो है 5 से लेस है,
फैसलेस है, तो मींस जो अगले नेक्स्ट वैल्यू को इंक्रीज नहीं करने वाला, और उसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 0 0। तो उसका आंसर क्या होगा 2900। क्या आंसर होगा उसका 2900। ठीक है, देखो सेम आंसर आया 2900। ये क्यों आया? क्योंकि ये इसने सेकेंड वैल्यू को राउंड ऑफ किया। अब मैंने 5 कर दिया है तो उसमें 1 माइनस 2 पे क्या है 1 है, माइनस 3 पे क्या है 9 है, माइनस 4 पे क्या है 2, और ये माइनस 5 में है ही नहीं। तो मीन्स इसको क्रॉस उसको राउंड ऑफ करेगा तो 5 वाले से कुछ नहीं है, तो उसके बाद 5 प्लस 5 का कोई वैल्यू होती है उसको और उससे बाकी वैल्यू को 0 करेगा, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 0। तो उसका आंसर देखो 0 आएगा। अगर मैं माइनस 4 भी करूँगा तब भी इसका आंसर 0 ही आएगा। चलो दिखाते हैं आपको। ठीक है, मैंने आज को अब क्वेश्चन में क्या कर दिया है, माइनस 4 कर दिया है, तो सेम आंसर देखो आया माइनस, क्योंकि माइनस 4 पे क्या है हमारी 2 है, और माइनस 4 2 है, तो 2 माइनस 4 की वैल्यू और उसके बाद की वैल्यू जितनी भी वो सब 0 हो जाएंगी, तो उसमें 0 आ गया। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं, माइनस 3 के बदले माइनस 4 के बदले माइनस 3 कर देना, तो उसका आंसर आ जाएगा 3000। आप खुद से करना, कोशिश करना, नहीं आता है तो आप क्वेश्चन वगैरह कमेंट करके पूछ सकते हैं इजीली। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले फंक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, मोड। मोड क्या होता है, इसमें भी दो पैरामीटर होते हैं एक्स और वाई। एक्स क्या होगा, एक कोई वैल्यू है, और वाई क्या है जिससे हम डिवाइड करेंगे उस वैल्यू को, और जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा ये हमें वो आउटपुट देगा। यानी एक्स को डिवाइड करेंगे वाई से तो आंसर जो भी आएगा इसका वो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर आएगा। अगर मान लो मैंने इसको एक कमांड कोई लिखता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, मोड मोड ब्रैकेट में मान लो मैं देता हूँ 15.2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 2 × 7 14, बट रिमाइंडर एक बचेगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1। ठीक है, चलो आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। जो 2 है वो उस बाहर रखा जाएगा, जो 15 है वो रखा जाएगा अंदर, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करते हैं तो देखो जो ये 15 है 2 की टेबल में कितनी जाएगा 7 में जाएगा, तो 14 इसका आंसर, इसका बचेगा रिमाइंडर क्या बचेगा 1। जो ये 1 है यानी रिमाइंडर, ये इसका होगा आंसर। ठीक है, अब उसको रन करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा। ठीक है, और जैसे उसको मैंने रन किया, अब एक और लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझ आसान हो जाएगा। और मैंने 15 को डिवाइड किया है 6 से, यानी 15 को डिवाइड किया है 6 से, अब क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आपने आंसर निकाल लिया होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, और इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3, क्या आना चाहिए 3, इसका आंसर क्या चाहिए 3। चलिए को आपको दिखाते हैं थोड़ा, जो 6 जाएगा बाहर और 15 जाएगा हमारा अंदर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 पे, 6 2 12, 15 जो 12 में से 12 जाएगा बचेगा 3, 3 क्या रिमाइंडर, जो कि इसका आंसर होता है। हम जानते हैं बोर्ड में क्या आंसर आता है हमारा, जो बचता है रिमाइंडर, तो इसका आंसर क्या चाहिए 3। जैसा कि आप देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसको अगर रन करते हैं जिससे कि आपको इसका आंसर मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है साइन फंक्शन, साइन। ठीक है, साइन में क्या, जो एक्स यहाँ पे देखो दो इसलिए दिए गए और जगह गया, एक्स माइनस प्लस वैल्यू और वाई माइनस नेगेटिव वैल्यू, तो इसमें देखो आउटपुट क्या आएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो 1 आंसर आएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो माइनस में इसका माइनस 1 आंसर आएगा, और 0 होगा तो आंसर आएगा इसका हमारा
जीरो, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेरी लगाते हैं, जिससे कि आपको समझने में इजी हो। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी हम क्वेरी लगाते हैं तो हमें सेलेक्ट सॉरी जब कभी हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें क्वेरी को सेलेक्ट के थ्रू स्टार्ट करना पड़ता है। तो लिखते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट साइन ब्रैकेट में कोई सी वैल्यू लो, कोई सी भी जो आपके मन में चल रही हो, ठीक है। मैंने दे दिया माइनस का 12, और माइनस 12 है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर मैं माइनस की वैल्यू देता हूँ तो इसका आंसर आएगा हमेशा माइनस का 1, अगर पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ कोई सी भी तो आंसर आएगा पॉजिटिव का 1, अदरवाइज हम देते हैं 0 तो आंसर आएगा इसका 0, ठीक है। ये आंसर बता रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए, 1 कब आएगा, जब वैल्यू क्या होगी हमारी पॉजिटिव, मींस अगर माइनस आंसर माइनस 1 आंसर कब होगा, जब वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव कब होगा, जब हमारी या साइन लगाओ या मत लगाओ, आंसर क्या होना चाहिए, मैं बनाना चाहिए, और मैं 0 दूंगा तो आंसर क्या आएगा, उसका 0 आएगा, ठीक है। अब इसको एक रन करते हैं, ठीक है, एंटर प्रेस किया और आपका आउटपुट माइनस वन आ गया क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू दी थी। चलो पॉजिटिव वाली देख कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव से क्या आंसर आता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, प्लस का करते हैं 12, आंसर क्या है 1, क्योंकि पॉजिटिव वाली दी है तो आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। अब हम डिफरेंट वैल्यू देते हैं, यानी यहाँ पे हम 50 देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, देखो प्लस वन आया क्योंकि हमने प्लस का 50 दिया था, ठीक है। अब हम देते हैं 0, और 0 पे क्या आंसर आना चाहिए, 0, एंटरप्राइज करते हैं देखते हैं क्या आंसर आता हमारा, जैसे एंटरप्राइज किया आंसर क्या आ रहा हमारा 0, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ट्रंकेट, देखो उसमें ट्रंकेट में और आपको राउंड ऑफ में डिफरेंस आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आता है और डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। राउंड ऑफ और ट्रंकेट में डिफरेंस क्या होता है, पहले प्रोग्राम पढ़ते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, क्वेरी देखते हैं, उसके बाद आपको उसका बीच में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर भी सेम चलेंगे, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, पॉइंट से पहले वाले माइनस में, पॉइंट के बाद वाले माइनस में, जैसा कि हमने राउंड ऑफ फंक्शन में देखा था, सेम प्रोसेस है, बट एक डिफरेंस है, इसमें वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी, जहाँ पर भी ट्रंकेट करना होगा वो वैल्यू और उसके बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बट राउंड ऑफ में ऐसा नहीं होता था। राउंड ऑफ में करने के लिए जिस वैल्यू को तक हमें राउंड ऑफ करना होता था उस वैल्यू के बाद की वैल्यू 0, और उससे पहले वाली अगर वैल्यू ग्रेटर देन 5 होती थी तो प्लस करता था, अगर नहीं होती थी तो अगली वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं करता था और बाद की वैल्यू सारी 0 हो जाती थी ऑटोमेटिकली। वही प्रोसेस यहाँ पर है, आपको बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ध्यान से देखना एक एक क्वेरी को, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो लिखते हैं एक कमांड लिखते हैं, ठीक है, क्वेरी लिखते हैं जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सको। तो सेलेक्ट ट्रंकेट, वही क्वेश्चन लिखेंगे सेम, वही जो लास्ट में राउंड में किया था वही वैल्यू डालेंगे ताकि आपको समझने में इजी हो। तो 92912.654, ठीक है, और यहाँ डालेंगे हम 2 पे इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप सोचो एक थोड़ा सा, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, आपने सोच लिया को आंसर, ठीक है, नहीं तो चलो हम बताते हैं आप सेकंड प्लेस से कौन सी वैल्यू आ रही है 4, ठीक है।
ठीक है, पॉइंट क्या है, पहली वैल्यू क्या होती है, माइनस प्लस वन क्या होता है, जीरो होता है, एंड सिक्स वन पे क्या है, फाइव, और फोर पे टू। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2912.65। जीरो लगा लो या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी मैंने फंक्शन का नाम गलत डाल दिया, टी ए यू एन सी ए टी होता है, ना कि टी आर ए एन सी ए टी होता है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। वो थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था, उसको ठीक कर लेते हैं, टी आर यू एन सी के टी, ठीक है। अब रन करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 2912.65, ठीक है ना। जीरो लगाओ या मतलब कोई इशू नहीं है, ठीक है, पॉइंट का आपको पता ही, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब हम यहाँ देते हैं माइनस का टू, माइनस का टू मीन्स अब बैक जाएंगे हम, यानी पॉइंट से पीछे, यानी माइनस वन माइनस टू, यानी वन आएगा, और वन के बाद, वन ओ के बाद वैल्यू जो होगी, 10290 इसका आंसर आएगा, यानी वन और वन के बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी, 00 हो जाएगी, बट इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा अब, ठीक है, क्योंकि ये ट्रंकेट है, ना कि राउंड ऑफ फंक्शन, ठीक है। आप इसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट कोई लगा के, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के आप अपने प्रोग्राम को रन करें, कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।